ईशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जिसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली है। इसके लिए हमने ये एक छोटी गाजर चॉप की हुई ली है, एक छोटा प्याज और दो टमाटर कट कर लिए हैं, एक रेड वाली शिमला मिर्च और एक ग्रीन चिली, एक ग्रीन शिमला मिर्च, ये दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, आधा नींबू। और तड़का लगाने के लिए हमने थोड़े से सफ़ेद वाले तिल और राई और थोड़ी सी हरी मिर्च। मसालों में हम लेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और रेड चिली पाउडर और ये जीरा पाउडर। ये दही लिया हमने दो से तीन चम्मच। अब हम पहले बड़े बाउल में एक कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी को ज़्यादा, अगर ये महीन वाली सूजी है, अगर मोटी हो तो इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए। इसको हमने पीस लिया है और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच बेसन और इसको हम एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे। इसका स्वाद जो है बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम थोड़े से काला नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से जो पसंद है आप डाल अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डालिए। हम ये एक छोटी गाजर इसमें डाल रहे हैं, एक छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, ये दो चम्मच ग्रीन शिमला मिर्च हमने डाली है और ये हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है, पड़ी हुई थी तो हमने रेड शिमला मिर्च ये इसमें ऐड कर ली है। और हम इसमें हम तीन चम्मच टमाटर डालेंगे। ये हरी मिर्च, दो हरी मिर्च छोटी छोटी कट करके ये टेस्ट के अनुसार डालिए। ये अदरक, कद्दूकस करी हुई अदरक डाल देंगे, इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें दो से तीन चम्मच दही डालेंगे। दही ना भी डालें तो ये बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन दही डालने के बाद में इसका स्वाद जो है दोगुना बढ़ जाता है, इसलिए हम इसमें दो से ढाई चम्मच दही डालेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच ये रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और ये हमने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये भी तीखा होता है इसलिए हमने रेड चिल्ली मिर्च कम डाली है, ये लाल मिर्च का पाउडर हमने कम डाला है। और ये हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं। और आधा नींबू का रस डालेंगे। अब इसको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे।
ये बहुत ही टिप लंच बॉक्स और बच्चों के लिए बड़े और सबके लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अब इसको पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पिलाएंगे। इसका बहुत पतला घोल हम नहीं बनाएंगे। लास्ट में हम बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये 1/2 चम्मच जो बेकिंग पाउडर डालेंगे और इस पे हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। को अच्छे से, इसमें लम्स न रहेगा, हम अच्छे से मिलाएंगे। गैस जलाएंगे। गैस में हमने पानी जो है 1 ग्लास पहले से रख दिया है। इसमें एक हम ये कटोरी उल्टा करके रख दिया है और इसी में हम इसको पानी जब हमारा खौलने लगेगा तब इसी में हम ये जो केक में हम ये बैटर डाल के और इसमें हम रखेंगे। इसमें एक केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको हमने आयल से पहले ग्रीस कर लिया है। जैसे हमने एक ये बाउल भी ग्रीस किया है, इसमें भी हमें बनाना ऐसा बाउल या ये फिर ऐसा केक टिन हो या पूरा हो, किसी में भी हम इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद में इसको हम ऐसे टैप कर देंगे जिससे एयर बबल से निकल जाए। और इसको ये हमने पानी पहले से खौलाने के लिए रख दिया। इस पे हमने ये एक कटोरी रख दी है उल्टा करके, या कोई बर्तन वाला स्टैंड हो या कटोरी या कोई प्लेट हो उसको रखने के बाद में हम इसमें ये जो है ये केक टिन रख के इसको हम 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ढक देंगे। इसको गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। इसको हम एक नाइफ की मदद से चेक करेंगे। इसमें हम ऐसे चाकू को डालेंगे, ये हमारा क्लीन चाकू निकला है। अगर इसमें थोड़ा सा चिपकता है तो इसको हम 5 मिनट के लिए और रखा रहने देंगे। लेकिन ये मेरा केक पक चुका है, बिल्कुल चाकू मेरी साफ निकली है। अब इसको हमने 5 मिनट तक निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसको आराम से सावधानी पूर्वक हम निकालेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। और इसको अब हम 5 मिनट तक ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम ट्रे में निकालेंगे। तब तक हम ये ठंडा हो रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, केवल 1 चम्मच तेल डालेंगे। अगर ये बिना तेल के भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद में तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे।
इसको हम ऐसे एक ट्रे पे निकाल लेंगे। बस इसको हल्के से ऐसे टैप कर देंगे और ये आराम से निकल आएगा। ये हमारा बनके तैयार है, नाश्ता जो है बनके तैयार है। अब इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे भी टिफिन में लंच बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये बिल्कुल ढोकले की तरह बना हुआ है, इसको बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। और इसमें हम बिल्कुल हेल्दी है, इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं है। और तड़का लगाने के लिए मैंने ज़रा सा केवल छोटी चम्मच तेल लिया है और उसमें हम पहले राई डालेंगे। राई जब हमारी चटकने लगेगी इसमें थोड़े से हम ये आधी चम्मच तिल डालेंगे। और ये हमने थोड़ी सी हरी मिर्च रख ली थी, इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको हमें जलाना नहीं है, बस ऐसे हल्का सा बच्चे पकने लगे कि इसको हम ये जो हमने ये नाश्ता बनाया है इसको हम ऐसे रख देंगे। और इसको स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे इसको हम उल्टा पलटा के पकाएंगे। इसको आराम से ऐसे हम पलटा के क्रिस्पी होने तक धीमी आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे। पलटा के इसको पका लेंगे। अब ये हमारा पक चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसका बढ़िया गोल्डन कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको हम कट करके ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम पहले सोचे क्या बोल, ये हमारा बहुत हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। ये आप जब चाहें तब खा सकते हैं, और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी इसको बना के मतलब अच्छे से रख सकते हैं, तो रास्ते में बच्चों को बहुत पसंद और हेल्दी भी है। और ये बिल्कुल आप देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। बच्चे इसको बड़े प्रेम से खाएंगे और बहुत ही हेल्दी और इसी के मतलब सारी सब्जियों से भरपूर हेल्दी नाश्ता है। हमारा हेल्दी नाश्ता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। सो इफ यू लाइक आवर रेसिपी देट प्लीज़ लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर इट, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल देट प्लीज़ सब्सक्राइब इट।